बसमिलेशन गेट वे हेयर मिस राब अशफफ़ीक सो दिस इज़ लेक्चर नंबर टू ऑफ आई स्किल्स सो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि वी विल डिस्कस अबाउट स्टोरेज डि लेक्चर नंबर टू सो हेयर इज़र नेक्स्ट टॉपिक स्टोरेज डिवाइसेस कंप्यूटर स्टोरेज डिसेस जो होती हैं बेसिकली क्या होती हैं यहाँ पर हम इन चार मेजर टॉपिक्स को कवर करेंगे वैसे तो स्टोरेज डिवाइस कम्पलीट टॉपिक है यहाँ पर कि कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइसेस क्या हैं उसकी टाइप्स क्या हैं स्टोरेज डिवाइसेस के फ़ीचर्स क्या हैं और उसकी एग्जांपल्स को हम मज़ीद देखेंगे यहाँ पर सो फर्स्ट वन कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस बेसिकली क्या होती है देखें स्टोरेज का मतलब क्या होता है कि, कि किसी चीज़ को अपने अंदर स्टोर करना मीनस स्टोरेज डिवाइस एक ऐसी डिवाइस है जो क्या करेगी कंप्यूटर के अंदर जो आपका डाटा है उसको स्टोर करेगी मीन्स हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आपकी स्टोरेज डिवाइस इज़ यूज टू यूज़ इन द कंप्यूटर टू स्टोर डाटा मीन्स एक कैसा फंक्शन प्रोवाइड करेगी प्रोवाइड द वन ऑफ द कोर फंक्शन ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर व्हाट इज़ द कोर फंक्शन ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर वो कोर फंक्शन ये है कि आपने जो डाटा अपने कंप्यूटर में स्टोर कर दिया है उसको री करना है आपने री करने के लिए डेफिनेटली यू हैव टू स्टोर द कंप्यूटर डाटा इन टू योर स्टोरेज डिवाइसिस सो नेक्स्ट वन इज़ द टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइज दे आर द फोर टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइस वी आर डिस्कसिंग एयर सो दिस आर द प्राइमरी स्टोरेज डिवाइज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइज ट्रश स्टोरेज डिवाइस ऑफलाइन स्टोरेज डिवाइस हमने जब प्रीवियस लेक्चर में इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के बारे में कुछ स्टडी किया था वहाँ पर स्टोरेज डिवाइसिस को लिटिल बिट टच किया था हमने कि प्राइमरी स्टोरेज डिवाइज़ की जो अपने कैटेगरीज पढ़ी थी कि स्टोरेज डिवाइज की दो प्राइमरी और सेकेंडरी थी तो प्राइमरी में रैम रोम को पढ़ा था बेसिकली यहाँ पर हम उन्हीं डिवाइस को थोड़ा सा मरीज एक्सप्लेन करेंगे कि ये प्रायमरी सेकेंडरी टर्शरी और ऑफलाइन स्टोरेज डिवाइसिस की कैटेगरी क्या है थोड़ा सा आप उपर, अगर आप इस एग्ज़ाम्पल के ऊपर इस डायग्राम के ऊपर अगर आप गौर करें यू सी है द डायग्राम ये सब प्राइमरी स्टोरेज डिवाइज़ को अगर आप यहाँ पर देखें तो ये एक आपको एक लाइफ साइकिल सा समझ आ रहा होगा यहाँ पर डिवाइसिस का कि डाटा जो है वो किस तरह से मतलब मूव कर रहा है सबसे पहले प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है फिर इनपुट चैनल है फिर निजट स्टोरेज डिवाइसेस हैं तो बेसिकली जो आपकी स्टोरेज प्रायमरी स्टोरेज है ना वो दो चीज़ों पर मुशमिल है एक मेन मेमरी और दूसरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आप देख सकते हो और इसको मेमोरी बस के ज़रिए आपस में कनेक्ट किया गया है मेन मेमोरी क्या है रैंडम एक्सेस मेमोरी है जिसका साइज़ छोटा होता है और उसके साथ ये सेंट्रल सीपीयू के साथ डायरेक्टली अटैच होती है और फिर सीपीयू के अंदर मतलब डिफरेंट कंपर्ट्स बने हुए हैं लॉजिक यूनिट्स है कैशि मेमरी है ये सारे जो है मेमरी की कैटेगरीज में आ जाती हैं फिर जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइज़ है उसमें मैच स्टोरेज डिवाइज़ हैं और ऑफलाइन स्टोरेज डिवाइसेस ये भी सारे सीपीयू के साथ लिंक है बट इन्होंने पहले रैम के साथ होकर फिर वहाँ जाना होता है इस तरह स्टोरेज डिवाइसेस फिर रिमोअल मीडिया जो है रिमोअल मीडियम आसड डी कॉर्डा हो गया ठीक है जितना भी मतलब एक्सटर्नल हार्ड डिस्क वगैरह ये सारे आपके इसके अंदर आ जाते हैं सो वट वन इज द वट इज़ द प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस आल्सो नेम एज मेन मेमरी मेन मेमोरी क्या है कि इज डायरेक्टली आर इनडायरेक्टली कनेक्टेड टू द देंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट वाई द मेमोरी बस यू कैन आल्सो सी हियर द डायग्राम कि मेन मेमोरी का कनेक्शन मेमोरी बस के साथ होता है जो कि आप किसी पी यू के साथ डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी अटैच हो सकती है ठीक है बेसिकली मेन मेमोरी का काम ये है कि जब भी आपने कोई भी प्रोग्राम इंस्टॉल करना है वो मेन मेमोरी में इंस्टॉल होगा उसकी जो मेजर फाइल होगी पूरा प्रोग्राम तो पीछे पड़ा होगा वही आपकी स्कैंड डिवाइस में लेकिन वो जो, जो एग्जीक्यूटेबल एक फाइल होगी वो वो पड़ी होगी मेन मेमोरी में अब कंप्यूटर को जब आपने सपोज चलाना है उस मेन प्रो, उस प्रोग्राम को लोड करना है वो ये नहीं करेगा कि भाई जाकर स्कैनर स्टोरेज डिवाइस उस प्रोग्राम को लोड करेगा वो मेन मेमोरी से उसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल को उठाकर वहीं से लोड कर देगा ठीक है सी फी यू कंटिन्यूसली क्या करेगा इंस्ट्रक्शन को रीड करेगा उसको स्टोर करेगा और फिर एग्जीक्यूट करेगा जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके मुताबिक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस को हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं रैम है रोम है और कैश मेमरी है सो फर्स्ट वन विल बी द रैम वट इज़ रैम रैम क्या है रैम इज़ अ रैंडम एक्सेस मेमोरी बिकॉज ऑफ द डाटा इन द रैम कैन बिक्स जस्ट ऑफ द फास्ट एज़ एनी अदर डाटा मतलब अगर रैम को हम कैश के साथ ही या फिर अगर आप रजिस्टर से कंपेयर करें उससे तो इसकी स्पीड स्लो है बट रैम की स्पीड रोम की नस्बत या सेकेंडरी स्टोरे डिज की नस्बत क्या है ज़्यादा होती है ठीक है तो रैम के अंदर डाटा को आप रैंडम तरीके से एक्सेस कर सकते हैं ये नहीं है कि अगर आप दस दस प्रोग्राम आपके मतलब पड़े हुए हैं तो आपने प्रोग्राम नंबर एट को लोड करना है तो ये नहीं है कि वो पहले वन को टू को लोड करने के बाद एट की पेयर आएगा वो मतलब डायरेक्टली एट वाले प्रोग्राम को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है दैट इज़ द रैम रैम की दो कैटेगरीज हैं डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और स्टैटिक रैम जो है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी है डिफरेंस देखते हैं कि डायनामिक और स्टैटिक में क्या डिफरेंस होता है यू सी हेयर द टेबल वेच इज़ कंटेन द दम्पेरिजन बिटवीन द स्टैटिक एंड द डायनामिक रैम स्टैटिक रैम क्या है कि एक फ़ास्टर है ये मोर एक्सपेंसिव है मोर पावर कंजम्प्शन है इसमें एंड डज नॉट नीड टू बी रिफ्रेश डायनामिक जो मै रैम है ये स्लोअर है लेसर एक्सपेंसिव है लेस पावर कंज्यूमिंग है और इसमें रिफ्रेश थाउजेंड ऑफ द टाइम पर सेकेंड डेफिनेटली बात है जिस रैम को स्टैटिक रैम है उसको रिफ्रेश होने की जरूरत नहीं उसकी स्पीड तो फास्टर होगी लेकिन उसकी पावर कंजम्पशन ज़्यादा है डायनामिक रैम बार बार रिफ्रेश हो रही है स्पीड, स्पीड स्लो हो रही है लेस एक्सपेंसिव है डेफिनेटली पावर भी कम कंज्यूम कर रही है सो so, डेफिनेटली अब कोई नथिंग इज़ अ परफेक्ट सो कुछ चीज़ें हैं जिनके कुछ बेनिफिट्स भी हैं कुछ डिसएडवानटेजेस भी हैं सो नेक्स्ट वन इला रैम uh, रोम को स्टडी करते हैं प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस में तो so, रैम हमने पढ़ लिया रोम को देखते हैं रोम क्या है दिस मेमरी यूज इन द कंप्यूटर बिगन टू बूट अप बूटअप समझ रहे होंगे आप लोग जैसा आप अपना मोबाइल को इंस्टॉल कर मतलब उसको ऑन uh, करते हैं ऑन होने से पहले उसमें बूट ऑफ मोड में चला जाता है वो सारी की सारी फाइल को अपने रोम uh, के अंदर उसको लोड करता है ठीक है मतलब जो आपने उसके ऊपर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है एंड्रॉयड वर्जन जो भी है वो लोड होगा पहले स्मॉल प्रोग्राम है जो कि फाइन वेयर आर ऑफ स्टोर्ड इन द रोम चिप्स आर हार्डवेयर डिवाइस जैसा कि बाइस चिप्स वगैरह हैं ठीक है और क्या करता है कि कंप्यूटर कैन यूज़ इन द परफॉर्मिंग सम ऑफ द मोस्ट बेसिक ऑपरेशन रिक्वायर्ड टू ऑपरेट द हार्डवेयर डिवाइसेस मतलब जितने बेसिक ऑपरेशन हार्डवेयर को चलाने के लिए हैं वो रोम में रोम में चलते हैं रोम मेमोरी कैन नॉट बी इजीली आर क्विकली ओवर रिटन आर मॉडिफाइड वी ऑलरेडी अंडरस्टैंड अबाउट इट कि रोम के अंदर जो एक बार डाटा लिख दिया जाएगा उसको आप मतलब ओवर नहीं कर सकते मॉडिफाइड नहीं कर सकते आप लोग ठीक है सो लास्ट वन इज द प्राइमरी मेमरी की लास्ट कैटेगरी कैशे मेमरी है मैंने ऑलरेडी बताया आपको कैशे मेमरी जो है एक आपके पास हाई स्पीड एक्सेस एरिया है जहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं मतलब ये स्टोरेज डिवाइस तो है लेकिन ये एक फ़ास्ट और डिवाइस है मतलब अब मैं एक आपको एग्जांपल तौर समझाता हूँ कि रैम के अंदर दस प्रोग्राम लोड हैं आपने प्रोग्राम नंबर एट लोड किया था सीपीयू के पास फिर सेवन किया फिर सिक्स किया अब मतलब वो तीन प्रोग्राम आपके कैश मेमरी में, में लोड हुए पड़े हैं अब मतलब अगर आपने अपने, अपने मोबाइल को स्विच ऑफ़ नहीं किया प्रोग्राम क्लोज़ नहीं किए अगर आपने दोबारा से प्रोग्राम नंबर सेवन लोड करना है तो इट विल नॉट लोड फ्रॉम द रैम इट विल लॉड फ्राम द कैश ई मेमरी देर द डिफ्रेंस सो कैश ए मेमरी कंटेन डिफरेंट टाइप लेवल थ्री लेवल टू लेवल वन मीन्स उस पर फिर कैश ए मेमरी के डिफरेंट लेवल्स बने होते हैं सो बेसिकली दिस इज़ द कैश मेमरी होप फुल अंडरस्टैंड द कैश ऐ मेमरी सो आवर नेक्स्ट टॉपिक स्कैन डिस्टोरे डिवाइस क्या होती हैं बिल्कुल अपोजिट प्राइमरी मेमरी के बिल्कुल अपोजिट है कि इट इज़ नॉट डायरेक्टली एक्सेबल बाय द सी पी यू जैसे so, रैम जो था वो डायरेक्टली एक्सेसिबल था लेकिन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का कनेक्शन डायरेक्टली नहीं है मतलब पहले अगर हम बात करें तो इधर सी होगा सी ठीक है सी के साथ मेन मेमोरी फिर मेन मेमोरी के साथ सके डिवाइस होगी कंप्यूटर यूजली यूजर्स इनपुट आउटपुट चैनल्स एक्सेस सेकेंडरी सोल डिवाइस एंड ट्रांसफर डिज़ायर डाटा यूजिंग इंटरमीडिएट एरिया इन द प्राइमरी डिवाइस स्टोरेज डिवाइस मतलब कह सकते हैं कि जो प्राइमरी मेमोरी है ना वो इंटरमीडिएट मेमोरी है स्टोरेज डिवाइस और सी के दरमियान इसकी एग्जाम्पल के तौर पर हार्ड डिस्क हो सकती है तो पहले हम हार्ड डिस्क को स्टडी करते हैं हार्ड डिस्क क्या है हार्ड डिस्क ड्राइव इज़ द मेन एंड यूजुअल लार्जेस्ट डाटा स्टोरेज डिवाइस इन द कंप्यूटर मतलब एक सौ चार साठ गैगा बाइट से लेकर दो टा बाइट तक की हार्ड डिस्क अवेलेबल है मार्केट्स में स्पीड इसकी मतलब स्लो है ठीक है हार्ड डिस्क जो स्पीड है इज द स्पीड एट विच द कॉन्टेंट बी रीड एंड रिटर्न इन द हार्ड डिस्क और हार्ड डिस्क के यूनिट्स जो हैं वो सेट रोटेशन स्पीड जो है वेरिंग करती है फोर फिफ्टी फाइव हंड्रेड से लेकर सेवन टी सेवन टू डबल ज़ीरो आर एम पी एम तक ठीक है रेट पर मिनट डिस्क एक्सेस टाइम जो है इसका हम मिली सेकेंड में मैर करते हैं ठीक है आपको ये दो कैटेगरी मैंने दिखाई है डायग्राम देख रहे हैं आप लोग हार्ड डिस्क में ये एक इंटरनल स्टोरेज डिवाइस है और एक एक्सटर्नल एक एक होती है ठीक है एक्सटर्नल मतलब आप उसको जहां मर्जी लगा दें प्लीज लैपटॉप पे लगा दें उसके ऊपर जो भी विंडो होगी तो वो चलेगी जो डाटा उसके अंदर मौजूद होगा लेकिन कुछ बिल्डिंग ये पुराने सिस्टम के अंदर आपको ऐसी जो जो सी पी यूज़ वगैरह होंगे उसमें ये इंटरनल हार्ड डिस्क नज़र आएंगी ठीक है सो हार्ड डिस्क का थोड़ा सा डिफरेंट देखते हैं कि इंटरनल और एक्सटर्नल में क्या डिफरेंस होता है पोर्टेबिलिटी की बात करते हैं मतलब एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को आप कहीं भी ले जा सकते हैं इंटरनल को ले जा सकते हैं बट वो सिस्टम जिसके अंदर लगानी वो भी साथ रखना पड़ेगा डेफिनेटली बात है प्राइस की बात करें एक्सटर्नल हार्ड डिस्क मोर एक्सपेंसिव है इंटरनल लेस एक्सपेंसिव है स्पीड इंटरनल की फास्ट है एक्सटर्नल की लिटिल बिट स्लो होगी साइज़ की बात करें इंटरनल बिग है और एक्सटर्नल जो है वो स्मॉल है ठीक है तो लास्ट टाइप हम जहाँ पर स्टडी करेंगे दैट्स अ टर्शरी स्टोरेज डिवाइसेस सो व्हाट इज़ टर्शरी स्टोरेज डिवाइसेस इट इन्वॉल्व आर रोबोटिक मैकेनिज्म

तो ये मैं आपके पास पुरानी जो मतलब जितने भी डिवाइसेस थे उसके अंदर यूज़ होती थी मैग्नेटिक टेप और ऑप्टिकल डिस्क वगैरह के अंदर इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता था ठीक है और आपको जैसे ये मैग्नेटिक टेप की यहाँ पर आपको एक डायग्राम नज़र आ रही है जिसमें एक कोट स्ट्रिप्स होती है ठीक है जिसमें डाटा इसके ऊपर इनकोड किया जाता है टेप्स जो होते हैं वो कंप्यूटर आर सिमिलर टू द टेप यूज म्यूजिक्स की टाइप टेप्स होते हैं टेप जो होते हैं मच एक्सपेंसिव होते हैं अदर सोडेंट मीडियम से बट कॉमनली मच स्लोअर सोल्यूशन दैट इज़ कॉमनली यूज फॉर द बैकअप ठीक है सो ऑप्टिकल डिस्क भी इसकी ही कैटेगरी में आ जाती है ठीक है और यहाँ पर आप इस टेबल में देख रहे हैं इसकी कंपेरिजन बताया गया है कि सी डी का डी वी डी का और बी डी इसमें डिफ्रेंसिस क्या हैं आप इसको देख लीजिएगा ठीक है सो so, इंशाल्लाह हम इस कंप्यूटर स्टोरी डिवाइस के लेक्चर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो एंड ऑफ द फर्स्ट पार्ट हेयर सो नेक्स्ट लेक्चर को हम इसे कंटिन्यू करेंगे स्लाइड नंबर ट्वेंटी से हम लोग अपना स्टार्ट लेंगे थैंक यू अल्लाह हाफ़